बाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। हमला कर दिया कमांडर अलंजक। किसने? वो एक लश्कर की शक्ल में है। मगर लश्कर यहाँ आया कैसे? बरके खान, उसी का लश्कर हो सकता है। आज उनका भी काम तमाम कर देते हैं। सामने आओ बुज़दिल। चलो सिपाहियों, या अल्लाह। चलो मेरे बहादुरों, इन्हें जिंदा मत छोड़ना। दिखा दो अपनी तलवार की ताकत। जासूस को छुड़ाने आए ये लोग, घेरे में लो हमें। तुम्हें कहा ना हद में रहो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ताईजान के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा मैं। मार गए। तुम ठीक हो ना मेरे शेर? ठीक हूँ मैं सरदार। इन्होंने बहुत तशद्दुद किया है, बस मरने वाला हूँ। हमारी आपस की बातों में तुम मासूम बच्चों के दिलों में बोझ भर रही हो। क्यों कर रही हो ऐसा, बताओ मुझे। सुकून चाहती हूँ सलजान खातून, मैं लड़ना नहीं चाहती। दूर रहे मुझसे, वैसे भी अब बहुत हो चुका है। कहाँ रह गए तुम बम से? मेरी तलवार उन लोगों के खून से रंगी हुई है जिन्हें मैंने कत्ल किया, और अब तुम्हारी बारी है। अर्तुरुल भाई ने आपको अलंजक को मारने का हुक्म दिया था, अगर उसने उन्हें घेर लिया। कहाँ है अर्तुरुल भाई इस वक्त? उन्होंने हमें मार्गिन के साथ भेज दिया था, और खुद वो अभी भी वहीं है। मैं किसी को भी उसका चेहरा देखे बगैर नहीं मरता। आपने तो कहा था कि यहां शैतान भी नहीं पहुंच सकता। ट्रेगोस, या उसका ताकुब और से पता नहीं चला, या फिर उसने हमारी मुखबिरी की। मौसम बहार की आमद करीब है, कुछ खुशनुमा रंगों का इंतखाब करना चाहिए हमें। जैसा आप बेहतर समझे सरमा खातून। आप भी तो अपने लिए कुछ देखें ना अफसा खातून, आप कुछ नहीं खरीदेंगी क्या? इलबिलगे खातून, मेरी तबीयत बेहतर नहीं लग रही, आपको जो पसंद है आप ले लीजिए। सलजान खातून ने जो कुछ किया वो भूल नहीं पा रही हैं आप। कैसे भूल जाऊं सरमा खातून, जो उनके अल्फाज थे, जैसे उन्होंने निकाला था, मैं नहीं भूल सकती। आप लोगों ने तो सब कुछ देखा था ना। मुझे याद है अफसा खातून, इतनी सी बात पर फितना खड़ा किया उन्होंने, मेरे साथ भी इतना तमाशा किया था। अल्लाह हमें सलजान खातून के शर से महफूज रखे, बस यही दुआ कर सकती हूँ मैं। अब बस करो सरमा, भूल जाओ जो कुछ हुआ। हम सब एक ही कबीले की खवातीन हैं, और ऐसा हो जाता है अक्सर, कोई अगर आज बुरा है तो कल अच्छा हो जाएगा।
लेकिन आपको दाद देती हूँ मैं, उन्हें जवाब ना देकर बहुत अच्छा किया आपने। उनकी परेशानी और दुख को हम सब जानते हैं। माना कि आपका ताल्लुक इस कबीले से नहीं है, लेकिन इसका हरगिज ही मतलब नहीं है कि कोई आप पर अपना हुक्म चलाने लगे। मेरे बच्चों ने ये सब कुछ कहीं से सुन लिया था, नहीं जानती कि उन्हें सब कैसे पता चल गया। मैंने आइबर्स के कान भरे, उन्हें ऐसा लगता है। मैंने तो आपको कई बार समझाया है, वो जानबूझकर करती है ये सब। पता है क्यों? हसद करती है आपसे। क्योंकि आप एक जमींदार की बेटी हैं। बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस। सिपाहियों होशियार रहना, कोई कपड़ा लाओ, हमें इसके जख्म पर बांधना होगा। हमें रुकने नहीं चाहिए बाबा। तुम और सफर नहीं कर सकोगे, पहले इस जख्म पर कुछ बांधना होगा। जगह में ढूंढ तो नहीं सकता, फिर भी हमें जल्द निकलना चाहिए। ना जाने वो कहां हमला करने के लिए निकल पड़े होंगे। उसका पहला हदफ किला होगा। उन पर शक इसलिए होगा क्योंकि हमला ड्रैगोस से मुलाकात के बाद हुआ है। वो दिल में शक लेकर किले जाएगा और सब कुछ बर्बाद कर देगा। क्या हमें उन्हें आपस में लड़ने देना चाहिए भाई? हरगिज नहीं तुर्कुत। तुम यहां से किले की तरफ रवाना हो जाओ। ड्रैगोस से कहना कि अलंजक किले की तरफ आने वाला है। तुम उस पर मेरा बताया हुआ जाल डालोगे तो उसका गुस्सा भी रफा हो जाएगा और वो अलंजक भी हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। जी ठीक है भाई। वक्त पर क्यों नहीं पहुंचे तुम बमसी? अलंजक के ताकुब में आने का कहा था मैंने तुम्हें। भाई उस सिपाही हमारे घोड़ों की तरफ जा रहे थे, इसलिए मुझे वहां से उनके तो मतलब अपनी जगह छोड़ दी तुमने। इस पर कबीले जाकर बात करेंगे बमसी। दुमरुल जल्दी से सो जाओ, जांगुच को कबीले लेकर आओ। जैसा आपका हुक्म भाई। तुम्हारी लापरवाही की वजह से कितने सिपाही मारे गए और जासूस भी हाथ से निकल गया। संदूक और क्या कब उसका भी मालूम करना था उससे। माफ कर दीजिए कमांडर अलंजक, हम नहीं जानते थे कि इस तरफ से भी कोई रास्ता है। जब दुश्मन के इल्म में था ये रास्ता, फिर तुम कैसे गाफिल रहे? हमें माफ कर दीजिए। रहम कीजिए हम पर। Thank you.
मजीद एहतियाती तदाबीर की जाए। हर तरफ घात लगा दो, सांप रेंग न सके, परिंदा उड़ न पाए। अलनचक डर के नहीं भागेगा, यही रहेगा। आगे का क्या सोचा है आपने? सबसे पहले जो कुछ खोया वो वापस लूंगा मैं, कदम कदम आगे बढ़ूंगा। शुरुआत कहां से करेंगे? किले से। किले पर हमला करेंगे? पहले जाकर इस हमले के बारे में तहकीकात करेंगे, देखेंगे उनके पास इसका क्या जवाब है। लेकिन हमले की तैयारी मैं पूरी रखूंगा। मैं भी चलूंगा आपके साथ। तुम कभी ले जाओ, मेरे पैगाम का इंतजार करो। मैं अकेला उनसे निपटने जाऊंगा वहां। तमाम सिपाही घोड़ों पर सवार हो जाएं, हम किले जाएंगे। चलो। पायो, ये सामान घोड़े पे रखो और कबीले ले जाओ। सलजान खातून, आप भी आई हैं यहाँ? हम हफ्सा खातून का दिल बहलाने के लिए निकले थे, बाजार गए थे। सुकून की तलाश में थी ना तुम तो, लेकिन लगता है कि अभी तक वो सुकून तुम्हें मिला नहीं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं कबीले जा रही हूँ, बच्चे खाने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। सोचा यहाँ आए हैं तो कुछ खरीदारी कर लें। अच्छा किया, मुबारक साबित हो। माशाल्लाह, एक लम्हे में जनाजे में सोग मनाते हैं और दूसरे लम्हे शादी की तैयारी। लगता है कि तुम खुद को हफ्सा खातून से दूर नहीं रख सकोगी। हमारा यहाँ करीबी और है ही कौन सलजान खातून। आप नजरअंदाज कर दें उनकी बातों को। आप कबीले की बड़ी हैं, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। वक्त आने पर उन्हें भी हो जाएगा, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें। छोटों को अगर ये ख्याल हो कि वो छोटे हैं, तो बड़े भी अपना बड़ापन दिखाएं। अपना ख्याल रखना तुम लोग। तुम उनके मामलात में बहुत ज्यादा दखल अंदाजी कर रही हो। पहले ही बहुत कुछ हो चुका है तुम्हारे साथ, मोहतात रहो, अपने लिए मसाइल खड़े मत कर लेना। मैं तो उनसे ताल्लुकात बढ़ा रही हूँ बाजी, क्या गलत है इसमें? आप परेशान मत हो। तो ठीक है फिर, ये तो आगाज है सलजान खातून। सुलेमान का गम तो देख लिया तुमने, लेकिन अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है। मार्गिन जख्मी है आर्तुक भाई,
यहां ले आओ मलिक शाह, आराम से लिटा दो। मार्के नहीं आया, इस बात की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। सूरत हाल क्या है इसकी? बहुत तशद्दुद हुआ इस पे अर्तुक भाई, इसके पैरों को भी जलाया गया है। इसे इतना जलाया है कि पैरों का गोश्त तक जल गया अर्तुक साहब। इलचिन खातून, जल्दी से रोगन जैतून और सिरका मिला कर लाओ। इसके पैर ठीक तो हो जाएंगे ना अर्तुक भाई? पहले पैरों की खाल को ताजा करने के लिए रोगन जैतून और सिरका लगाएंगे। लेकिन देखना यह है कि गोश्त अंदर से खराब ना हुआ हो। अल्लाह ना करे अगर ऐसा हुआ तो मजबूरन हमें इसके पैर काटने पड़ जाएंगे। हम अपनी जानिब से पूरी कोशिश करेंगे मलिक शाह, आगे अल्लाह की जो मर्जी। ये लीजिए आर्तुक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या शाफी या शाफी या शाफी या शाफी या शाफी या शाफी। लोहा गर्म हो गया? जी सरदार। ठीक है, लगा दो। बहादुर सिपाही, मैंने कहा लगा दो। जल्दी मुझे पूरा यकीन है कि सारी कार्रवाई के पीछे कोई नहीं हो सकता तुम्हारे अलावा। लेकिन इस मुहिम को सुलझाने के लिए अलंजक को नहीं आने दूंगा। आपने क्या सोचा है सरदार? कमांडर अलंजक, वो अपना एतबार मुकम्मल तौर पर खो चुका है। उसकी मौजूदगी हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। अर्तुरुल अलबास्ती का पता करने के लिए यकीनन उसके पीछे जाएगा। अगर उसने अपनी जबान खोल दी तो बेनकाब हो जाऊंगा मैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जबान काबू करने का एक ही तरीका होता है, बस उसे बंद कर दिया जाए। अलंजक किले पर हमला करने के लिए गया है, अल्लाह उस किले की हिफाजत फरमाए। ड्रैगोस के साथ मिलकर अर्तुरुल की चाल को उलट देंगे। मुझे इजाजत दीजिए भाई। आपको ये जख्म कैसे लगा? जख्म बहादुर की निशानी होती है मेरी बहन, तुम परेशान मत हो, मामूली सा जख्म है। मैं तबीब को बुलाकर लाती हूँ। इल्मिल के
इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास आओ। भाई आखिर ये हुआ कैसे? सिपाहियों के साथ मश्क के दौरान लग गया। आज तक तो मश्क के दौरान आपको कभी कोई जख्म नहीं लगा। इल्बिल के, मैंने कहा ना, बिल्कुल ठीक हूं मैं। वालिदा, क्या हुआ बेटी? मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। खैरियत तो है सलजान? कोई परेशानी है क्या तुम्हें? सरमा खातून। क्या हुआ सरमा खातून को? मैं देख रही हूँ कि वाफसा खातून के बहुत करीब होती जा रही है वालिदा। सरमा खातून की तरफ से क्या फिर कोई शरारत का खदशा महसूस हो रहा है बेटी? हफ्सा खातून को हम दोनों जानते हैं वालिदा। सरमा और उसके मिजाज में कोई भी बात एक जैसी नहीं। पहले ही इतना कुछ हो जाने के बाद मुझे उसका ये तरीका बहुत मशकूक लग रहा है। मुझे डर है कि वो खातून हमारे कबीले में निफाक और शर फैलाएगी। बेटी, सरमा खातून की फितरत से हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। उसकी कोशिश रहेगी कि कोई फितना खड़ा करे, लेकिन अच्छे के साथ अच्छाई तो सभी करते हैं, मगर बुरे के साथ अच्छाई हर कोई नहीं कर सकता। सरदार आला का मकाम लोगों को एक साथ जोड़ना होता है। काबिलियत इसमें है कि बुरे इंसान में अच्छाई के एक जर्रे को भी ढूंढ लिया जाए बेटी, और उस अच्छाई को फैला दिया जाए। जी बहुत बेहतर वालिदा। वो खातून जब तक हफ्सा के करीब रहेगी, हफ्सा से मेरा दूर रहना ही मुनासिब है। हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में, लेकिन हफ्सा मुझे अब नफरत भरी नजरों से देखने लगी है। आप इस बात को ज्यादा बेहतर समझती हैं, लेकिन उन पर नजर रखने की जरूरत है। आप हफ्सा खातून का ख्याल रखें, कहीं ऐसा ना हो कि वो उसके अंदर जहर उंडेल दे और हम देखते रह जाएं। वालिदा, अब कौन आ गया? नकारा क्यों बज रहा है? ये नकारा क्यों बज रहा है? खैरियत होगी इंशाल्लाह। अल्लाह करे सब खैरियत हो। आओ भाई आओ, चलकर देखें तो सही कि ये नकारा क्यों बज रहा है। क्या हुआ है? गुंदूस, मेरा बच्चा। भाई, गुंदूस, आओ मेरे शेर। गुंदूस, तुम ठीक तो? मैं ठीक हूं दादी। चलो।
संभालोगे तो उसको बेहोश हो गया। ये सिपाहियों मदद करो मेरी, आर्तुक भाई को बुलाओ जल्दी जल्दी। ये लाख है मेरा बच्चा, मेरा बहादुर। मेरी जान, मेरा बहादुर बेटा। तुम्हें कुछ नहीं होगा कुंदूस। आर्तुक भाई कहाँ है? आर्तुक साहब के आने तक मैं देखता हूं बाबा। आओ हम आपके साथ, हिम्मत मत हारिएगा भाई। आर्तुक भाई आइए आइए। आर्तुक साहब जल्दी कुछ कीजिए, सीने पर जख्म आया है आर्तुक भाई। कपड़ा रख दिया था ताकि खून रुक जाए। होश में था यहां आने तक, और ताक के सामने आते ही गिर गया मेरा बच्चा। जख्म अभी ताजा है, इसकी फौरन सफाई करनी होगी। गुजारिश है कि आप लोग सब बाहर चले जाएं। सौची जाओ गर्म पानी लेकर आओ। ये लीजिए आर्तुक साहब। तुम गुनगुन के साथ औताक में आओ मेरे। इज्जत खातून जल्दी से मरहम बनाइए। जी अभी बनाती हूँ। आपके आने की इत्तला नहीं है कमांडर ड्रेगोस को, तो जाकर अपने कमांडर को खबर करो। तुर्गुत सरदार मिलने आए हैं, बताओ जाकर। उनके पास वक्त बहुत कम है, यह जरूर कह देना। किस बात का इंतजार है तुम्हें? जाओ और खबर करो। सिपाही कमांडर ड्रेगोस को इत्तला करो। अपना कुल्हाड़ा मुझे दे दो तुर्क। तुम में हिम्मत है अगर तो सिर्फ एक बार मेरे कंधे से यह बोझ हटाकर दिखाओ। सिपाहियों कुल्हाड़ा ले लो इस तुर्क से। सुना नहीं तुम लोगों ने सिपाहियों? शुक्र है आप ठीक है तुर्गुत साहब। उस जहन्नम से बच निकलने में कामयाब हो गए। हम जहां जाते हैं वो जगह दुश्मन के लिए जहन्नम बना देते हैं कमांडर ड्रेगोस, ये आप जानते हैं।
जो चाहते हैं ले लेते हैं, जो नहीं चाहते वो नहीं देते। चले अंदर चलते हैं। मैं यहां तुमसे कुछ लेने आया हूं ड्रैगोस। क्या अभी कुछ लेना बाकी है? मैं पहले ही बहुत कुछ दे चुका हूं। कुछ नहीं दिया तुमने, हमने अलंजक से जो चाहा वो खुद अपनी ताकत से लिया है, लेकिन अब बारी उसकी है। या तो वो ये सोचेगा कि हमने तुम्हें खरीद लिया, या फिर ये गुमान करेगा कि उस टोले का पीछा करते हुए हम वहां पहुंच गए, और फिर नतीजतन वो यहां तुमसे इंतकाम लेने आएगा। यही सबब है कि अलंजक जब किले में आएगा तो आखिरी कदम उठाकर उसका खात्मा कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, रुको। अगर अलंजक को किले में कुछ भी हुआ तो मंगोलों को पता चल जाएगा, सिर्फ किले को नहीं मुझे भी खत्म कर देंगे। परेशान मत हो तुम, किले को अलंजक की कब्र बनाने का नहीं कहेंगे तुमसे, पहले ही हम उसे उस गढ़े में फेंक चुके हैं जहां वो सड़ जाएगा। तुमसे तो हम सिर्फ उस गढ़े में एक मुट्ठी भरकर मट्टी डालने का कह रहे हैं। क्या करना होगा मुझे? अलंजक जब किले में आएगा तो ऐसा जाहिर करना जैसे कुछ जानते ही नहीं। तुम्हें बस यह कहना है कि तुमने कुछ नहीं किया। अगर मेरा यकीन ना किया? यकीन करेगा, यकीन करेगा ड्रैगोस। सऊद में अपनी मुनाफिकत और दोगलापन हम लोगों के सामने जाहिर नहीं होने दिया तुमने। तुम एक चालाक आदमी हो और यह सब बड़ी आसानी के साथ कर सकते हो। क्या तुम मुझे फिर से अलंजक के सामने चारे के तौर पर डालना चाहते हो? तुम नहीं कमांडर ड्रैगोस, तुम नहीं। तो फिर कौन? तुम्हारा सराय वाला जासूस। देखता हूं कितने मकतूब तब्दील किए तुमने।
यह है हलाकू खान का एक असल हुक्मनामा। आज से मैं एक सिपाही भी नहीं रहूंगा। क्या नहीं देख रहा? सलजान खातून की आमद के बाद मुसलसल हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। आप जल्द असली जंग कबीले में छिड़ते हुए देखेंगे बमसी। कमांडर अलंजक की क्या कर रहे हैं? कैसे अलंजक के सामने? अलंजक के लिए चारा बनोगे। बमसी, जिसने भाइयों को बीच लड़ाई में छोड़ दिया, सिपाही कहलाने के लायक नहीं है ये बमसी।